आपको मेरा ये वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू। ये अपने ये चमचे से हिला के इस तरह से मथ लिया है, हिलाया ये अभी थोड़ी देर, 2-3 मिनट, तो मक्खन ऊपर आ गया है। और इसी स्टेज पे अपने अभी थोड़ा डाल देते हैं काफ़ी बर्फ़, तो जिसकी वजह से मक्खन जो नीचे दूध बैठा है उसके अंदर का भी मक्खन भी ठंडा हो के जम जाएगा। आप चाहे तो इसको 2-3 घंटे फ्रिज में भी रख सकते हैं। अपने बर्फ़ डाल के इसको मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो आप देख सकते हैं ये सारा मक्खन किस तरह से, देखिए पूरा निकल के ऊपर आ गया है। इसके अंदर बिल्कुल ही अब पानी में मक्खन नहीं बचा। अब इसको अपने सेपरेट करके इसको धो के फिर इसको गर्म होने के लिए रखते हैं। अब अपनी जो छाछ बची थी उसको मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो दूध फटते ही अपने उसमें से पनीर अलग कर लेंगे, तो इस तरह से अपने को इसमें से पनीर भी मिल जाएगा। अब देखिए जो अपने छाछ बची थी उसको गर्म होने रख दिया है, और ये अब जो छाछ थी वो फट चुकी है, और इसको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना है नहीं तो मक्खन एकदम च्यूई हो जाएगा। तो अब इसको अपने छान लेंगे। अब अपने ये जो छाछ थी जो फट चुकी है ऑलरेडी, इसको अब छानते हैं। आप देख सकते हैं इसमें ये इतना पनीर निकला है, और ये पनीर वाटर, ये पनीर वाटर आप आटा गूंथने के काम में ले सकते हैं, इडली डोसा का बैटर भिगोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी दही बेसन वाली खट्टी कड़ी बनाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इसमें काफ़ी न्यूट्रिशन होता है और इसकी कड़ी भी बहुत टेस्टी बनती है, एकदम लाजवाब। इसमें आपको तेल घी भी कम डालना पड़ेगा क्योंकि अभी भी इसमें काफ़ी घी है। तब अपने ये पनीर को सेट होने के लिए रख देंगे। ये पनीर में मैंने पानी डाल के इसको अपने एक बार वॉश कर लेंगे, और वॉश करके इसको वापस छान के, ताकि इसके अंदर का जो खट्टापन है वो निकल जाए दही और वो है, तो ये है। और इसको छान के सेट होने के लिए रखते हैं। ये पनीर को मैंने छान लिया है पानी से धो के, अब इसको ये एक थाली में दूसरी थाली उल्टी करके उसके ऊपर इस तरह से इसको सेट होने के लिए रख देंगे। तो इसको अच्छे से कवर करके, और इसके ऊपर कुछ भी हैवी डब्बा या साफ़ सुथरा गमला हो, कुछ भी मतलब वज़नदार चीज़ 4-5 किलो की रखोगे तो जल्दी सेट हो जाएगा। तो अब इसको मैं 1-2 घंटे के लिए सेट होने के लिए रख देती हूँ। मैंने पनीर सेट होने के लिए उसके ऊपर ये मेरे बेटे का बम्बेल्स है जो 3 किलो वजन का है, तो उसको रखा है पनीर सेट होने के लिए। अब अपने देखते हैं कि अपना पनीर सेट हुआ है कि नहीं। तो ये ऊपर से हटाया वजन, ये हटाई ढकनी, और ये इसको खोल रहे हैं अपने, ये देखो खोल दिया, पनीर बढ़िया सा सेट हो गया है। अब इसको पीस करके रख लेते हैं। ये देखिए मैंने पनीर को काट के उसके पीसीस कर लिए हैं, जो अनइवन साइड थी उसको पहले एक साइड निकाल लिया है, और ये पनीर के क्यूब मैंने काट लिए हैं। ये आपको एक क्यूब दबा के दिखाती हूँ, देखिए कैसा अपना पनीर एकदम सॉफ्ट स्पॉन्जी बना है। ये है मतलब मलाई पनीर है, एकदम समझ लो मलाई में से ही निकला हुआ है। तब इसको अपने कंटेनर में शिफ्ट कर लेते हैं। ये देखिए फाइनली अपना ये पनीर बनके रेडी हो गया है। तो ये पनीर को मैंने
मलाई में से घी बनाते टाइम जो छाछ बचती है उसको गरम करके बनाया है, और ये एकदम बढ़िया सा, इसका टेक्सचर एकदम सॉफ्ट है और बहुत टेस्टी भी। तो ये अपना मलाई पनीर बनके तैयार हो गया है, बस देर किस बात की। आप भी बनाइए, खाइए, खिलाइए। इसका इस्तेमाल आप सब्जी, पराठे, जो भी बनाना हो, बारबेक्यू, किसी में भी कर सकते हैं। मलाई में से मैंने बनाया है घी, उसमें से बनाया है पनीर, और एक और साइड प्रोडक्ट निकली है पनीर वाटर। तो एक ही चीज़ में से तीन तीन प्रोडक्ट बनी है, जिसमें से एक को भी मैंने वेस्ट जाने नहीं दिया है। बस इसी तरह से आप भी कुछ ना कुछ नया करते रहें।